आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में जो कि हंसी के डोज या फिर बकचोदी के कीटाणु से बना है, मीम्स। अब मीम्स एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी ओंगी पोंगी चीज़ फेमस हो सकती है। फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़का हो या लड़की, आप फेमस हो सकते हो। किसी चीज़ को फेमस करने में मीम्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब मीम बनाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, इसके लिए भी स्पेशलिस्ट होते हैं मीमर्स, और इनका काम आसान नहीं होता। ना जाने इन्हें क्या क्या बकचोदी देखनी पड़ती है तब ये अच्छी मीम बना पाते हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कोई मीम अचानक से इतना फेमस कैसे हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया है तो सब मीम्स पेज पे कई ऐसे मीम्स हैं जो कॉमन होते हैं। अब मुझे तो लगता है मीमर्स एक अलग स्पीशीज़ होते हैं जिनको भगवान ने स्पेशल पावर दे रखी है जिससे ये एक दूसरे मीमर से कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे ये मीम्स। हर पेजेस पे ऐसे ही मीम्स चल रहे थे, और ये अकेली ऐसे मीम्स नहीं है जो हर मीम्स पेज पे छाए हुए थे, ऐसी कई और भी मीम्स हैं जैसे कि ये। लेकिन कहना पड़ेगा मीम्स होते बहुत फनी है, टाइम पास का एक अच्छा जरिया है, लेकिन कई ऐसे भी मीम्स होते हैं जिसे देखने के बाद मुंह से बस यही निकलता है, मतलब कुछ भी। अंत में यही कहना चाहूँगा कि मीमर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, बकचोदी होती रहेगी, मीम्स बनते रहेंगे और हम हंसते रहेंगे। और अगर आपको भी मीम्स के थ्रू फेमस होना है तो बकचोदी करो यार, क्या पता कब आपका नंबर आ जाए।